हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UP SSC की सभी भर्तियों के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जो भी साथी नए हों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले मुख्य सेवका भर्ती को लेकर। तो मैं जैसा कि आपको बता दूं, जहाँ तक मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया, मगर आप लोग क्या है कि कहीं ना कहीं एक तरीका से जो नेगेटिव कमेंट करते हो, ठीक है, इसमें ये इसका जो पेपर है किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। जहाँ तक अभी तक शासन से अनुमति भी नहीं मिली है, और मैंने कहा है देखो थोड़ा बहुत दबाव भी बनाना पड़ेगा, और जहाँ तक उम्मीद है इसका पेपर सितम्बर से पहले कैसे भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक शासन से अनुमति नहीं मिली है और यहाँ पर सॉल्ट टेस्टिंग भी बाकी है। तो लगभग अगर इस महीने में चीज़ें होती हैं जुलाई के महीने में, तो आपका पेपर सितंबर में करा लिया जाएगा। और देखो बहुत सारी जो गर्ल्स थी उन्होंने हमें मैसेज किया है, ठीक है, तो बताने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ 10 जुलाई को बहुत सारी बहना आयोग जा रही हैं, और जो भी इच्छुक हैं, ठीक है, तो वो जा सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी तो वहाँ पर थोड़ा दबाव भी बनेगा और उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिल सकता है, और चीज़ें जुलाई में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं शासन से अनुमति को लेकर, पोर्टल ओपन होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ और सॉल्ट टेस्टिंग इसी महीने में हो जाएगी, तो आपका पेपर सितंबर में करा लिया जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि ये पेपर जूनियर असिस्टेंट के बाद ही होने वाला है, तो सभी लोग अपना प्रयास करते रहिए, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, और जो भी इच्छुक हैं 10 जुलाई को जाने के लिए तो वो जरूर जाइए। और अभी जिस प्रकार के हालात हैं तो सितंबर से पहले कोई उम्मीद नहीं है इसका पेपर करा लिया जाए। लेखपाल की डीबी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको बताया, लेखपाल की डीबी जो JEE 2018 का रिजल्ट आने के बाद ही कराई जाएगी, और आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, आपकी DB पूरी उम्मीद है कि अगस्त में स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि JEE 2018 का रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा। और जहां तक पूरी संभावना है कि अगर ये मतलब सभी काम जल्दी से करते हैं तो जुलाई में इनकी DB भी ख़त्म करा सकते हैं, और इसके बाद लेखपाल की DB, क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत सारी वैकेंसियाँ हो रही हैं, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं स्पीड से काम होगा तभी ये। और देखो आपको पता है पैट 2022 से भी विज्ञापन, लगभग 4 विज्ञापन आ चुके हैं, इसी प्रकार से पुरानी भर्तियां फंसे हुई हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिलेगी। तो JEE 2018 जुलाई में कंफर्म कर दी जाएगी लगभग, इसकी DB वगैरह सब कुछ कराकर, तो उसके बाद आप उम्मीद रखो कि आपकी भी DB अगस्त में स्टार्ट करा ली जाए। हम बात करने वाले बंदरों का रिजल्ट को लेकर, तो आप लोग परेशान मत होइए, बंदरों का रिजल्ट कहीं की वीडियो री एग्जाम की वजह से भी आगे बढ़ा है, और मैं आपको बता दूं आपका रिजल्ट है जुलाई के अंत तक देखने को मिल जाएगा बंदरों का के रिजल्ट के बारे में, ठीक है। और लोअर PCS के जो बच्चे परेशान है कि लोअर PCS का जो भर्ती है पैट 2022 से आएगा कि नहीं आएगा, देखो अभी कोई उम्मीद नहीं है कि इसका मतलब वैकेंसी इसकी आएगी, क्योंकि जहाँ तक पैट 2022 से आप देख रहे हो BPO के अलावा कहीं की सामान्य योग्यता वाली भर्ती आ नहीं रही है, और पद भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और इस पैट से कम चांस रहेंगे, जैसे कि बहुत सारे लेखपाल की भर्ती को लेकर बच्चे परेशान हैं, नई लेखपाल की भर्ती, BDO की भर्ती को लेकर परेशान है, लोअर PCS की भर्ती को लेकर परेशान है, तो इस पैट से बहुत कम चांस है, क्योंकि पुरानी भर्ती ही फंसी हुई है, लेखपाल की अभी DB नहीं हो पा रही है। और यही बात करने वाले, देखो BDO की BPO की भर्ती आ गई, ठीक है, तो इस प्रकार से कम चांस रहेंगे कि आपको लोअर PCS अगर देंगे, ये तो रियल लास्ट तक दे सकते हैं, मगर अभी कंफर्म नहीं कहेंगे कि लोअर PCS की जो पैट 2022 से वैकेंसी आने वाली है। जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती के बारे में तो मैं आपको बता दूँ, इसमें लगभग 3200 के करीब पद रहने वाले हैं, तो इसका विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और इसी साथ जो AGTA का विज्ञापन है, लगभग ये दो विज्ञापन हम कहीं नहीं कि आने वाले हैं, तो इसमें से कोई भी पहले आ सकता है, ठीक है। और जहां तक उम्मीद है कि जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन कहीं नहीं कि ये पहले जारी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सामान्य योग्यता वाली भर्ती है, और इसमें कहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जूनियर जो असिस्टेंट जिसमें 1262 पद थे, इसकी परीक्षा को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर इसकी परीक्षा कब तक कराई जाएगी, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, 15 अगस्त से पहले इसकी परीक्षा करा ली जाएगी, और 10 जुलाई से पहले इसका सॉल्ट टेस्टिंग नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि लगभग वही 40 दिन आपको मिलने वाले हैं, और सिलेबस आपको पता है चेंज हो गया है, पाठ्यक्रम काफ़ी समय पहले ही जारी कर दिया गया, तो वो सारी चीज़ें आपको पता हैं, तो सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहो, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर कमेंट करना, उसे मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो को हमें लगते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद।